नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 4 जून से जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एक शानदार सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर दोस्तों इस समय अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है और इस दौरे पर इन दोनों टीमों के बीच ODI और T20 सीरीज खेली जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली इस सीरीज के बारे में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर कितने वनडे मैचेस खेलेगी, कितने T20 मैचेस खेलेगी, इन मैचेस की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इन वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहने वाला है, वहीं पर इस सीरीज का जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख सकते हो। तो दोस्तों इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों इस समय अफगानिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहां पर इस दौरे पर इन दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की एक सीरीज खेली जाएगी, जहां पर इस दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज के साथ होगी। तो अगर हम सबसे पहले वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें तो जो पहला वनडे मैच है वो 4 जून को खेला जाएगा, वहीं पर जो दूसरा वनडे मैच है वो 6 जून को होगा। इसके अलावा सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 9 जून को खेला जाएगा। बात कर लें अगर इन सभी वनडे मैचेस के वेन्यू की, तो ये सभी वनडे मैचेस एक ही मैदान पर खेले जाएंगे और उस मैदान का नाम है हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो ये तीनों वनडे मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 12:45 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला T20 मैच खेला जाएगा 11 जून को। इसके अलावा दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 12 जून को और सीरीज और दौरे का आखिरी T20 मैच खेला जाएगा 14 जून को। वहीं अगर दोस्तों हम वेन्यू की बात कर लें तो ये तीनों T20 मैचेस वनडे मैचेस की तरह ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के मैदान पर ही खेले जाएंगे। वहीं अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो ये तीनों T20 मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले अफगानिस्तान के स्क्वाड की बात कर लें तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 मेंबर का ODI और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस किया है, जहां पर अगर हम सबसे पहले ODI स्क्वाड की बात करें तो आपको ODI स्क्वाड में फॉर्मर कैप्टन और ऑलराउंडर गुलबदीन नायब नजर नहीं आएंगे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरे के लिए यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर जियाउर रहमान अकबर को मौका दिया गया है, जिन्होंने डोमेस्टिक वनडे कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे। तो आपको जो अफगानिस्तान का ODI स्क्वाड है वो कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे हशमतुल्ला शाहिदी, वहीं पर वाइस कैप्टन होंगे रहमत शाह, इसके अलावा अजमतुल्ला उमरजाई, फरीद मलिक, फजल हक फरूकी, इब्राहिम जादरान, इकरम अली खिल जो कि विकेट कीपर है, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नजीबुल्ला जादरान, रहमानुल्ला गुरबाज विकेट कीपर, राशिद खान, रियाज हसन, शहीदुल्ला कमल, यामीन अहमद जई और जियाउर रहमान अकबर। इसके अलावा दोस्तों दो ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी इस ODI सीरीज के लिए अनाउंस किए गए हैं, जिनके नाम है नूर अहमद और निजात मसूद। इसके अलावा अगर हम बात कर लें T20 इंटरनेशनल स्क्वाड की, तो T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में दोस्तों मुजीबुर रहमान को ड्रॉप किया गया है और आपको इनका स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे मोहम्मद नबी, इसके अलावा वाइस कैप्टन होंगे नजीबुल्ला जादरान, विकेट कीपर अफसर जजाई, अजमतुल्ला उमरजाई, दारविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, फजल हक फरूकी, हजरतुल्ला जजाई, एहसानुल्ला जनत, करीम जनत, निजात मसूद, नूर अहमद, रहमानुल्ला गुरबाज, विकेट कीपर राशिद खान, शराफुद्दीन अशरफ और उस्मान घनी। इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए भी दो ट्रैवलिंग रिजर्व्स अनाउंस किए गए हैं, जिनके नाम है जाहिर खान और सैयद अहमद शिरजाद। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के ODI और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड की। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अभी भी इस सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का ODI और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। बहुत जल्द ही ये स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, तो जैसे ही ये स्क्वाड अनाउंस होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, इसके अलावा वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। हालांकि दोस्तों ये लगभग कन्फर्म है कि आपको इस सीरीज में भी जिम्बाब्वे की कप्तानी क्रेग एरवाइन ही करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाली वनडे और T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इंडिया में इस वनडे और T20 सीरीज के मैचेस का लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आपको प्ले स्टोर से फैन कोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि फैन कोड एप्लीकेशन के पास ही इस सीरीज के मैचेस का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मौजूद है, जहां पर आपको सबसे पहले इस सीरीज का टूर पास परचेज करना पड़ेगा, तभी आप यहां पर वनडे और T20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल फोन में देख पाओगे।
सो फ्रेंड्स, ये रही अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली इस वनडे और टी20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली इस सीरीज के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम वनडे और टी20 सीरीज जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।